दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो सुनने के लिए ज्यादा लंबा टाइम लेती है या समझने के लिए ज्यादा लंबा टाइम लेती है? हैं? समझने के लिए लंबा टाइम है और उसका और छोर ही नहीं है। एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, फिर भी अंत नहीं होता। और ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है। तो जब तक जीना है तब तक जीना है। बाबा को रूप दर्शन बोलते हैं, 2018 में जब प्रत्यक्षता होगी उस समय कोई ना कोई रूप का परिवर्तन बाबा की होगी। बाबा ने तो बोला है प्रत्यक्षता होगी तब जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। अव्यक्त स्टेज का मतलब है कि जो भी धर्म पिताएं अव्यक्त वतन परम धाम से उतरते हैं उनकी स्टेज व्यक्त होती है या अव्यक्त होती है? कैसे पता चले? कोई निशानी है? हाँ, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनके जो चेहरे बनाए जाते हैं हिस्ट्री में, वो चित्रकार तो हुए हैं ना पुराने जमाने से, तो वो चेहरे क्या साबित करते हैं? वो चेहरे ही साबित कर रहे हैं कि जैसे उनकी बुद्धि उनकी दृष्टि इस दुनिया को नहीं देख रही है, कहाँ रखी हुई है? निराकारी लोक में रखी हुई है। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रत्यक्षता तब होगी जब उन धर्म पिताओं की तरह ही बच्चों की भी कैसी स्टेज बन जाए, है? अव्यक्त स्टेज, निराकारी स्टेज बन जाए, ट्रांस लाइट का चेहरा दिखाई पड़े, चेहरा देखते ही कोई समझे कि ये कोई असाधारण आत्मा है। दुनिया भी जैसा व्यक्ति नहीं है, चेहरा देखने से ही उनके अंदर परिवर्तन का असर आ जाए। तो बाप की भी प्रत्यक्षता होगी, बाप के बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त स्टेज से ही प्रत्यक्षता होगी। हाँ, जो मनुष्यों का बाप है ना, कौन? प्रजापिता। तो भगवान को गाली देता है बड़ी जबर। जो शिशुपाल है वो कृष्ण को भरी सभा में गालियां देता है। एक गाली दो गाली नहीं देता है, सौ सौ गालियां देता है। और भरी सभा के लोग कुछ नहीं बोल पाते। इक्का दुक्का है भीम जैसे, भीष्म पितामह जैसे, बलराम जैसे, जो थोड़ी आवाज उठा के फिर बैठ जाते। सारी विद्या एक तरफ और एक आत्मा तो दूसरी तरफ हो जाती। तो भरी सभा में गाली देने से अपमान तो वो महसूस करे जिसके अंदर देवा हो। मान अपमान से परे आत्मा होती है, यह देह अभिमान वाला होता है। देह अभिमानी मनुष्य मान अपमान से परे बनता है, या आत्मिक स्थिति वाला देवता देह अभिमान से मान अपमान से परे होता है? देह अभिमानी मान अपमान से परे हो जाता है? नहीं, देवता वाले देवता है जो आत्मा बन चुका है, स्वयं स्थिति में स्थित हो चुका है, वो नहीं ध्यान देगा कि भरी सभा में हमारी बेइज्जती हो रही है। वो जानता है ये झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता है। ऐसा भी टाइम आने वाला है सच्चाई इसके सर के ऊपर चढ़ कर बोले, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा।
और फिर प्रैक्टिकल में अभी नहीं देखने में आ रहा है क्या? क्या देखने में आ रहा है? नहीं, जो बीके वाले इतनी गालियां देते हैं, इतनी ग्लानी करते हैं, टॉप मोस्ट ब्रह्मा कुमारों से लेकर के उनके फॉलोअर्स तक, देते हैं कि नहीं गालियां? कि कोई भी एडवांस पार्टी वाला संक्षेत्र से लेकर के अब तक वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, माउंट आबू में कोई ज्ञान सुनाने की जाने की हिम्मत करता था? नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी वहां गीता पाठशाला खुल रही, जहां उनका इतना दबदबा है, उसी जगह को उनके सर के ऊपर बैठ करके ज्ञान सुना रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए ये इस समय का गायन बना हुआ है कि सच्चाई है सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। नहीं, तो गाली दिया उसके बताए तो गाली क्यों दिया? जिनको गाली मिलती है उनको समझना चाहिए ना कि हमने पूर्व जन्म में इनको दुख दिया होगा। जो नारायण बन जाएगा, जो नारायण की क्वालिटी का बन जाएगा, उसको कोई गाली देगा? नहीं देगा। वो ही भगवान को गाली देते होंगे। भगवान जिसके अंदर प्रवेश करता है वो तमो प्रधान है आत्मा या सतो प्रधान आत्मा है? तमो प्रधान को गाली नहीं खाना चाहिए उसे। तमो प्रधान है तो गाली मिल रही है, काला है तो गाली खा रहा है, क्योंकि उसको दोनों गाली खाता है। हाँ, जो साकार को भगवान समझ लेते हैं, खरमिलाकार को भूल जाते हैं, तुम बोल समझते हैं अरे हमारे भगवान से कितनी गाली मिल रही है, उनको अभी गोली मिल गया तो उनको सूट कर दे, मुझ रहे थे यार। रामकृष्ण भगवान होते हैं क्या? होते हैं। रामकृष्ण की आत्मा थोड़े ही भगवान, उनके शरीर थोड़े ही भगवान का स्वरूप है। उन शरीरों में सुप्रीम सोल बाप जब निराकारी स्टेज में सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष हो जाए, उसको कहा जाता है निराकार भगवान। अभी अभी साकार है, अभी अभी निराकार है, तो भगवान है कि भगवान सदैव निराकार है? सदैव निराकार है, वही भगवान है। अभी देवी देवता धर्म वाले का निशानी कलयुग में भी दिखाई जाता है, 60-70 लोगों के परिवार एक ही मुखिया के डायरेक्शन के आधार पर दिखाई नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखाते, कोई नहीं उनको प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा ने बताया है, दिखाता कोई नहीं है, उनका प्रदर्शन कोई दुनिया में नहीं कर रहा है, जानते भी नहीं है। लेकिन होते हैं क्या ऐसे? होते हैं उनमें, तो मुखिया होता है ना, वो मुखिया देवी देव को धर्म वाला करने या वो सारे परिवार भी जुड़े हुए? पूरा का पूरा परिवार जो एक के कंट्रोल में चल रहा है, उस पूरे परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो हिम्मत करे कि मुखिया के बरखिलाफ जाए। मुखिया जिसको वोट देगा, पूरा परिवार का परिवार उसको ही वोट देगा। एक आत्मा भी उस परिवार में ऐसी नहीं हो सकती कि वो दूसरी पार्टी जनता पार्टी या दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे। तो एक मत हुआ ना, एक मत हुआ, एक राज्य हुआ, एक धारणा हुई, एक परिवार हुआ, एक कुल हुआ, एक ही खून हुआ। उस परिवार के अंदर ऐसे कोई दो भांति नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे की पत्नी में व्यभिचार पैदा कर दे। क्या
बड़े भाई की पत्नी को क्या समझेंगे, माँ के रूप में ही देखेंगे। अगर वो मुखिया चले जाए तो बड़ा भाई, तो बड़ा भाई बात करो। अभी 37 करोड़ देवता आत्माओं ने ऊपर से आने वाली 500 करोड़ की आत्माएं प्रवेश करते हैं, इसके बारे में बताया। तो 9,16,108 जो होंगे पहले 9,16,108 पहले सीढ़ी में आने वाले 37 करोड़ में वो भी शामिल है ना। वो कहाँ होते हैं पहले जन्म में, मतलब एकदम शुरुआत में, शुरुआत में जो आए एकदम आदि में वो कहाँ होते हैं 9 लाख पहले जन्म में, वो उनका जन्म होता ही नहीं। जन्म तो उनका उनमें आधे का तो जन्म सचिव में होगा। पहले जन्म पूरे होने समय में 9,16,108 आबादी हो जाएगी ना सचिव की आदि। हाँ, एक्यूरेट सचिव की। वो जब वापस आएंगे उनमें भी प्रवेशता होती है ऊपर जाने वाले आत्माओं की। शक्ति का विनाश होने तक, इतनी आपदाएं आने तक भी जो आत्मे की स्थिति में रहते हैं, हिलते नहीं है, वो पक्की आत्माएं हैं। या जिनका हार्ट फेल हो जाता है वो पक्की आत्माएं हैं। पक्का किसको कहेंगे? तो कितने हुए? 7,500। बाकी अम्मा जैसी आत्माएं, ब्रह्मा जैसी आत्माएं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली जैसी आत्माएं, वो अम्मा की तरह बच्चों से प्रभावित होने वाली होंगी या न प्रभावित होने वाले राजा होंगे? प्रभावित होने वो तो सबसे पहले बच्चों से प्रभावित होती है। द्वापर युग शुरू हुआ, जो अम्मा की क्वालिटी वाली होंगी तो नहीं कहेंगे हमारा बच्चा विदेश में चला जाए। बौद्ध धर्म स्थापन होना शुरू होगा, जो अम्मा वाली आत्माएं होंगी, अम्मा की क्वालिटी वाली आत्माएं, वो थोड़ी चाहेंगी कि सिद्धार्थ की आत्मा, सिद्धार्थ वाला व्यक्तित्व जो है वो देश निकाला मिल जाए उसको। माँ की तो ये क्वालिटी है क्या, क्या लफंगा, कोढ़ी, चोर, डकैत, कैसा भी बच्चा हो उसको बोध से बाहर नहीं जाने दिया जाता। मोह रग रग में घुसा रहता है, इसलिए मुझे वो बोला है माताओं ने अगर मोह के ऊपर भी जीत पा ली तो समझो पास हो। आखिरी श्लोक गीता का, नष्टो मोहा प्रतिलब्धा, संपूर्ण अर्जुन का रूप बन गया। तो जो चंद्रवंश की आत्माएं हैं या चंद्रमा से कनेक्टेड जितनी भी आत्माएं हैं या चंद्रमा को फॉलो करने वाली जो भी आत्माएं हैं वही कन्वर्ट हो जाती है। तो बाद में जो आने वाले हैं इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन का भी, वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? ऊपर से उतरेंगे तो जो 500 करोड़ ऊपर से उतरते हैं, 33 करोड़ कम 500 करोड़ ऊपर से उतरते हैं, वो उतरने वाले तो दूसरे धर्म के हैं ही हैं, लेकिन जो सत्य त्रेता से जन्म लेते हुए आ रहे हैं 33 करोड़ देवताओं के अंदर की लिस्ट में है, वो आत्माओं में भी 90% से ज्यादा ऐसी स्टेज वाली है जो दूसरों के प्रभाव में आ जाती है। चंद्रांश ही प्रभाव में आ जाते हैं। अभी बीके वालों में देखो, विदेशी संस्कृति को अपने ब्राह्मणों की दुनिया में बीके वाले ज्यादा अपना रहे हैं कि पीवी के वाले ज्यादा अपना रहे हैं? सारी ईश्वरीय नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, मेहरबानी अटारियां भी उनको बनानी है, अपने बाल बच्चों की शादी भी करनी है। ऐसे ऐसे गुरु वहां बैठे हुए हैं जो दुनियावी गुरुओं को फॉलो करके शादियां कराने के लिए भी जाते हैं। यहाँ मैंने लड़की देख ली है, वहां लड़का देख लिया,
हमारा रंग का ज्ञान नहीं मिल रहा है, शादी करते हमको पैसे मिल जाएंगे, बस इतना ही लोग का भी। तो कौन सी संस्कृति तुम फॉलो कर रहे हो? केवल बीज ही आगे रहेंगे ना, जो पक्के पक्के बीज हैं उनमें कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगा, उसमें ऊपर से आने वाले वो प्रवेश नहीं करेंगे, वो बाप ही प्रवेश करता है। उनमें से भी जो खास है 108 रुद्रमाला के मणके, जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं जो यादगार, उसमें वो यादगार दिखाई हुई है मुख, कोई में एक, कोई में दो, कोई में चार, कोई में दस, कोई में 15 मुख दिखाए जाते हैं। वो मुख ही यादगार हैं कि भगवान ने उनमें प्रवेश किया है, तो दूसरी दूसरी जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो भी उनमें आगे पीछे प्रवेश करती हैं। बाकी दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा अजेंद्र सुख पूछ रहा हूँ, तो गोपो गोपियों को पूछ लो कोई शर्त है, ये वो कभी पूछने का है। गोपो गोपी तो 16108 ही है ना, बाकी 9 लाख पूछने वाला जब पूछेगा तो पूछने की बात कब पैदा होगी कि कोई न कोई अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हो मौजूद। आज की दुनिया में अभी कोई अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले मौजूद हैं जिनको लालसा ही ना हो कि हमें इंद्रियों का सुख मिल जाए, जिनको लालसा ही ना हो कि बढ़िया सा भुट्टा आ जाए अगर तो हम नहीं खाएंगे, मान लो किसी की लागत लगी हुई है भुट्टा खाने, हलवा खाने में लागत लगी हुई है, उसके सामने हलवा आएगा तो क्या करेगा, जरूर खाएगा। तो जब तक ऐसी दुनिया है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ना, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इंद्रियों के सुख की ओर लालायित न होता हो, तब पूछने की बात ही नहीं। पूछने की बात कब शुरू होगी है? हाँ, तब ही शुरू होगी जब कुछ आत्माएं ऐसी अनुभव में आने लगे कि ये तो जैसे इच्छा मात्रम है अविद्या, कोई इच्छा नहीं। गोप नाम क्यों पड़ा? गोप माने गुप्त रखने वाली, गोपी माने गुप्त रखने वाली, जो अपने पुरुषार्थ को, दान को, मान को, पद को, मतवे को गुप्त रखते हैं, दूसरे के सामने प्रत्यक्ष नहीं करते, दिखावा की वृत्ति नहीं है, पाम्प एंड शो की वजह नहीं है। इसलिए अपने शास्त्रों में जो भारतीय शास्त्र हैं पुराने पुराने, उनमें ज्ञानी और योगी लोग अपने ज्ञान को और योग को दुनिया वालों की नजरों से प्रत्यक्ष करना अच्छा समझते हैं या गुप्त रखना अच्छा समझते हैं? गुप्त रखना अच्छा समझते हैं, ये भारत की परंपरा है। तो जो गोप गोपियां हैं वो गुप्त रखेंगे, कब तक गुप्त रखेंगे? जब तक भगवान उनको प्रत्यक्ष न करे संसार के सामने। फिर पूछेंगे लोग, पूछेंगे बताने वाले बताएंगे, अतीन से तुम पूछना हो तो इनसे पूछो, वो गोपी क्या होता है उसका परिभाषा होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या होता है गोपी? गोपी जिन्होंने अपने ब्राह्मणत्व के पुरुषार्थी जीवन में अपने दान को, अपने मान मर्तबे को है, अपने धन को गुप्त रखा, एक एक पैसे का हिसाब किताब ईश्वर को दिया हो, कोई मनुष्य को न दिया हो, वो बता सकेंगे? पूछने वाले पूछेंगे, बताने वाले बताएंगे।
लेकिन ऐसे भी कहा गया कि 16,000 की माला बाबा नहीं बनाते हैं, सन्यासी लोग बनाते हैं। ठीक है, 16,000 की माला में कुछ मणके तो ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल में बनाने वाला एक है या दो चार मिलके बनाते हैं? दो चार मिलके माला ऐसी हैं। 16,000 की माला, हम सारी मालाओं की बात कर रहे हैं। पहले सारी ही मालाएं, जितनी भी जिनकी मालाओं का गायन है, सारी ही मालाएं ऐसी हैं जिनको ढेर के ढोंग मिलकर भी बनाते हैं, या कोई एक होता है उन विशेष मालाओं को बनाने वाला, प्रैक्टिकल में होता है? होता है, नहीं वो विशेष माला है, जैसे 108 की माला है, 8 की माला है, उसके लिए निमित्त एक है, क्या एक है निमित्त, जिस जिन मालाओं को सारी दुनिया के सब धर्म वाले इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऐसे भी हैं मालाएं जिनको एक ने लिंग बनाया है, दो दो चार चार इकट्ठे जाते हैं, पुराने पुराने मंदिर हैं, वहां बड़ी बड़ी गरारी रखी हुई है, क्या कहते हैं उसको भाषा में, राटे में वो माला रखी हुई होती है और नीचे बड़ा भारी तसला रखा हुआ होता है, उसमें वो माला एक तरफ से खींचते रहते हैं, दूसरी तरफ से उठती रहती है, खींचने वाले दो दो चार चार आठ आठ दस दस भी होते हैं, वो कौन होते हैं? एक होता होगा या कमजोर पुरुषार्थ करने वाली सन्यासियों की आत्माएं होंगी? कमजोर अपने जब अकेला नहीं, इतनी हिम्मत है, अकेले दुनिया में आवाज नहीं निकाल सकते हैं, दूसरों को नहीं समझा सकते हैं, तो दो दो चार चार आठ मिल आठ आठ मिल करके दुनिया की सेवा करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे साथ चले, हम अकेले नहीं बन जाएंगे, कमजोरी हुई या पावर बनाते हो निशान। सन्यासी इकट्ठे होकर के, झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के माला तैयार करते हैं, 16,108 की। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये सब सन्यासी ही तो है, कौन है इनके धर्मों में जो राजा रानी बनकर के बैठते हैं फॉलो करने वाले उन धर्म पिताओं को, वो कोई राजा रानी बन के बैठते हैं इंग्लैंड में? राजा रानी इकट्ठे बैठते हैं या विक्टोरिया को बैठाया जाता है, एलिजाबेथ को बैठाया जाता है? एलिजाबेथ को बैठा देते, राजा रानी दोनों तो नहीं बैठते। ये भारत है जहाँ भगवान आते हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए, वहां दोनों बैठते हैं। बाबा बाप तो गुप्त हो गया ऐसा बताएगा, वो कभी गुप्त हो गया, बच्चों के सामने से भी गुप्त हो जाता है क्या? मुझे बोला है कि बच्चों के सामने बाप गुप्त हो जाएंगे? नहीं, वो कभी भी बच्चों के सामने रहेंगे। हाँ, दो 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 बातें कर रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा बता अभी, अभी अभी दो चार साल आठ आठ साल के अंदर की ही बात है, हजरत तबारी ने बोला है, दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चला गया, क्या दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चला गया और तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष है, तो जो बच्चे की स्टेज में है, क्या बाप के खून जैसे ही बच्चे हैं, जो बाप की रगों में खून दौड़ रहा है संकल्पों का, वो बाप समान संकल्पों का खून जिन बच्चों की बुद्धि में दौड़ रहा है, उन बच्चों के सामने गुप्त होंगे या प्रत्यक्ष रहेंगे? है? बाप समान बच्चा बनना बच्चा है या बाप के असमान बने, विपरीत कर्म करे, विपरीत संकल्प करे, विपरीत वाचा बोले, वो बच्चा है? समान, समान। जो समान बने तो बच्चा,
तो जो असली मनमना भव होंगे, क्या लक्ष्य है? बस मना भव मेरे मन में समा जाए। मन में क्यों? नाक में क्यों नहीं समा जाए? कान में क्यों नहीं समा जाए? मन में समा जाए तो मतलब मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं मेरे, माने बाप के मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, उन्हीं संकल्पों में आत्मा रमण करे, वो बाप समान बच जाए। अगर एक भी संकल्प विपरीत आता है तो बाप का बच्चा है या नहीं है? नहीं। संकल्पों को भी खून कहा जाता है। ये देह का खून, ये 16,000 नसों नाड़ियों में दौड़ता है। संकल्पों का भी खून है। जो भगवान का संकल्प विराट रूप जो भगवान का दिखाया जाता है, वो 16,000 नसें नाड़ियां हैं जो विराट रूप में दिखाई जाती है, उनके अंदर वो संकल्पों का खून बहता है। आधी नसेनारियां हैं खराब खून बहने वाली, आधी नसेनारियां हैं लाल खून शुद्ध खून बहाने वाली। आधी है विजयमाला के मन के, आधे हैं रुद्रमाला के मन के। बाबा मैंने पास इंग्लिश सर है, देखो कितना घोर है जो उनको धोई मोती से जैसा रखे ना हमारे अगर क्यों बाबा ऐसा काले उन्होंने कारण क्या आगे भी खाते तो यूरोपियन कुछ कुछ समझा। हाँ पूरा समझा। यूरोपियन इंग्लिश लोग है ना, उनको में एकदम गोरा है। अपन लोग सब क्यों काला ऐसा दिखाई देता है? जहाँ जिन प्रदेश में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण चमड़ी जो है काली हो जाती है। आपने देखा होगा जब दिन बहुत गर्मी पड़ती है ना, इतना पसीना निकलता है, वो पसीना अंदर ही अंदर चमड़ी में मरता है और वो मर करके धमोरियां निकलती हैं और काली काली चमड़ी हो जाती है। दवा भी लगाएंगे पाउडर भी लगाएंगे तो भी चमड़ी कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। माने जिन प्रदेशों में बहुत गर्मी पड़ती है वहां काले होते हैं, और दुनिया के जिन देशों में गर्मी का नाम निशान ही नहीं है, क्या बहुत बर्फ बहुत पड़ती है, सफेद सफेद सफेद, उनको देखने में भी ज्यादा आता है सफेद सफेद सफेद, तो उनकी चमड़ी कैसी होगी? है सफेद हो जाए। लेकिन सऊदी में है ना, सऊदी अरब अरब में बहुत गोरे 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 हैं। शुरुआत से 2,500 साल पहले से गोरे गोरे हैं या अभी क्रिश्चियंस के साथ मिलकर के गोरे हो गए? पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने उन देशों में जाकर के, उन देशों के लोग आकर के उनकी औरतों को खून को खराब किया है तो गोरे भी हैं, खून मिक्स हो जाता है ना। तो राम जी रावण बनने का पार्ट आचार्य के पहले या सती चित्त के पहले? राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कल्प बनता है। ये जो कल्प बनता है रावण बनता है, ये तमो प्रधान स्टेज की बात है या सतो प्रधान सतो सामान्य रजो की बात है? तो ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड की दुनिया 100 साल की है। उस 100 साल की दुनिया में तमो प्रधानता ऐसी कब होगी? ऐसी तमो प्रधानता के माँ बाप के रूप में सारी सृष्टि के जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी राम से रावण बनने के लिए मजबूर हो जाए और कंस से कृष्ण से कंस बनाने के लिए मजबूर हो जाए। कब? शूटिंग पीरियड में ऐसा पीरियड कब आना चाहिए? आदि में, मध्य में या अंत में? तो
के नारायण बनने के बाद भी ऐसे पार कर चलेगा? वही तो जिनके लिए नारायण है, नारायण दिखाई पड़ता है, नारायण उनकी बुद्धि में नाम गूंजता है, तो वो काम के आधार पर नारायण समझेंगे या रूप के आधार पर नारायण समझेंगे? काम के आधार पर दुनिया में नाम पड़े शास्त्र में, रावण रुलाने वाले को रावण कहा, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाले को दुर्योधन कहा, दुशासन दुष्ट युद्ध करने वाले को दुष्ट शासन करने वाले को दुशासन नाम दिया, अर्जुन जो सच्चा पुरुषार्थ करता है, सच्चे पुरुषार्थ का अर्जन करता है उसका नाम अर्जुन है, युद्धिष्ठिर जो युद्ध में आज से अंत तक डटा रहता है, स्थिर रहता है, युधिष्ठिर नाम दिया। तो जिनको नारायण दिखाई पड़ता है जिनकी दृष्टि में, उनके लिए नारायण है, सबके लिए नारायण है। बाबा ने विदेशी धर्म कांडों में भी जन्म लेकर वहां भी राजा स्थापन करते हैं क्या? बाबा की बात कर रहे हैं या बाप की बात कर रहे हैं? नातमाएं तो दो है, एक है सिर्फ आत्माओं का बाप, बाबा चाचा नाना काका ताऊ नहीं है, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप साबित होता है, क्या नाना चाचा काका मामा ताऊ साबित ही नहीं होता, और एक है बाबा, वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शरीर में प्रवेश करता है मुकर रूप से जिसमें, उसके द्वारा वो बाबा भी है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी, सब संबंध उस एक के साथ साबित हो जाते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य दृष्टि का बाप जो जो मनुष्य दृष्टि का बाप है, हाँ, वो विदेश में भी जन्म लेकर राजा स्थापन करता है, वो सारी मनुष्य दृष्टि का बाप नहीं है, है? मामा यज्ञ में यज्ञ के आदि में सेवक राम और गीता माता राधा बच्चे थे ना, उसको लौकिक में बच्चा ले लिया। जो विश्व पिता है तो उसको ये तमन्ना होगी कि मेरे लौकिक बच्चा भी पैदा हो, उसके अंदर ये तमन्ना होगी कि मेरे खून से ही पैदा हुआ बच्चा हो, उसको ही मैं अपना वर्षा दूंगा, अपनी धन धान संपत्ति सौंपूंगा, या उसके अंदर ये तमन्ना होगी कि जो होशियार होगा, जो अच्छा होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी सौंप दूंगा, गोद ले लूंगा। क्या गोद ली नहीं उसने? अरे हिस्ट्री क्या कहती है, उसने गोद ली या नहीं ली? तो गोद ली, ये भी नहीं देखा कि लड़की है या लड़का है, नहीं तो लड़के को गोद लेते हैं मोस्टली लोग, कि लड़की को गोद लेते हैं, लड़के को गोद लेते हैं, लड़के को गोद इसलिए लेते हैं लड़का बड़ा होगा कमाई करेगा तो हमारी परवरिश बुढ़ापे में करेगा, इसलिए लड़का को गोद लेते हैं मोस्टली। उसकी बुद्धि में तो ये बात है ही नहीं, आखिरी जन्म में भी ये बात नहीं आती कि लड़का को गोद लूं कि लड़की को गोद लूं, एक ही आत्मा शक्ति में ऐसी है जो अंतिम जन्म तक भी कुछ न कुछ आत्मिक स्टेज वाली रहती है। ये प्रैक्टिस कहाँ की होगी? आदि बने सत्य की आदि संगम में ये प्रैक्टिस की होगी, दूसरों को भी देखा होगा तो ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में ज्यादा देखा होगा, अपने को भी स्मरण करेगा तो आप ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में स्मृति करेगा, तो ये प्रैक्टिस जिसने सबसे जास्ती की होगी, कोई तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक आत्मा जरूर ऐसी होनी चाहिए वैरायटी मनुष्य शक्ति के झाड़ में जो आज से अंत तक आत्मिक स्थिति वाली हो, वो भी अंत में दुखी होती है कि नहीं होती है? वो भी दुखी होती है, जब वो दुखी होती है तो भगवान को आना पड़ता है,
महात्मा गांधी के जीवन काल में 40 करोड़ मनुष्यों ने, भारत के मनुष्यों ने भगवान को पुकारा, हे प्रतिष्ठा बनाओ, हम बहुत सुखी हैं, बहुत परतंत्र हैं, बहुत ये अंग्रेज लोगों ने अति कर दी, क्या आया? नहीं आया। कोई तो हिसाब होगा, क्यों से आना पड़ता है? कभी कभी ऐसे होते हैं, आत्मा भी निमित्त बनते हैं ना अपने पिंड को तैयार करने के लिए, है? आत्मा ही निमित्त बनते हैं अपने पिंड को तैयार करने के लिए। कभी कभी ऐसे होते हैं गर्भपात हो जाती है, नहीं तो माँ पिता भी बलात्कार से गर्भपात कराते हैं, इसका कारण आत्मा नहीं है, माँ बाप का आत्मा का वो हिसाब किताब, ये हिसाब किताब नहीं है, बहुत हिसाब किताब है। अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चल रहा है, क्या जवाब देंगे? अभी वर्तमान समय में दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा युगल है जिसका जीवन में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चल रहा हो? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का मतलब नहीं है तो समझे, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि दृष्टि से भी व्यभिचारी न बने। क्या? कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी न बने, मनसा के संकल्पों से भी व्यभिचार की बात अंदर ना आए। ये कन्या जा रही है, बड़ी सुंदर है, के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, अरे एक ही बात नहीं तो बड़ा अच्छा होता। अगर एक सेकंड भी ये संकल्प आया तो उसे व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? क्योंकि संकल्प का बीज तो बो दिया ना, बीज बो दिया तो वृक्ष उगेगा या नहीं उगेगा? उगेगा। तो ऐसा कोई आपको दिखाई पड़ रहा है? सभा में वो लोग हाथ उठाए गए, उन्होंने बट्टी नहीं की, बट्टी अभी तक नहीं किए, हाथ उठा दो, एक सबने बट्टी कर ली, आप तो कह रहे थे कुछ लोग ऐसे नहीं, वो मसा आया नहीं, ये नहीं मसा, वो भक्ति किया बाबा के साथ, फिर सब देखे बाबा मामा को देखने के बाद, मतलब जिसने भक्ति नहीं की है वो आत्मा अभी गर्भ में आई नहीं, क्या गर्भ में, जिसने भक्ति नहीं की है वो गर्भ में आई नहीं, गर्भ में आ जाएगी तो नीचे आएगी कि ऊपर होगी? ऊपर है, तो ऊपर है। बाबा अभी तक चंद्रमा में कोई गया ही नहीं, अरे हम अमेरिका वाला गया तो झूठ नहीं बोल के अभी आ गया, क्या चंद्रमा में गया ही नहीं है, उसका पूरा पृथ्वी में लोगों ने पूरा टेस्ट किया, एक्टिंग किया, क्या किया? एक्टिंग जो है ना, उन्होंने स्टेज में सब चीज बनाया, ऐसे कैमरा आज के तरीके जो कैमरा तो इतने एडवांस है, कभी भी कैमरे इतने एडवांस भी नहीं थे, 69 में 68 की बात है ना, 69 की बात, हाँ। तो वहाँ पे जब उन्होंने क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि पृथ्वी का जो ये जो मैग्नेटिक कोर जो है और उसके पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पार रॉकेट जा ही नहीं सकता, वो लोग बोल रहे थे कि अभी के आज के तारीख में भी वो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट यानी जिसमें इंसान नहीं बैठता हो वो सिर्फ वो भी छोड़ पा रहे बराबर से, लेकिन इंसान जा ही नहीं पा रहा उसके अंदर, क्योंकि 68 दुनिया के अंदर सबसे नजदीक जो है इस पृथ्वी पर, सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह उपग्रह है तो चंद्रमा,
वहां तक ही कोई नहीं जा पाया, तो ये मंगल और बुद्ध की तरफ जो उन्होंने ट्राई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, ब्रह्मा के साकार चूल्हे में, ब्रह्मा साकार भगवान है, उसके साकार चूल्हे में शिवबाबा आता है, आता था, हम जाकर बैठ जाते हैं, दो दो चार चार घंटे छह छह घंटे बैठ जाते हैं। उस समान स्टेज तक कोई पहुंचा होगा क्या ब्राह्मण है? कोई पहुंचा होगा? वहां भी नहीं पहुंचा तो यहां भी नहीं पहुंचा। उसका नाम दे दिया है हार्लिस स्ट्रांग, जैसे हार्लिस का हार्लिस वो गेय होता है ना, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो एक आदमी दिखा देते हैं खूब पहलवान करने वाला। तो ये प्रचार हुआ है दुनिया में साइंस का, साइंस का लोग प्रचार बहुत करते हैं, पॉम्पेंट्स तो बहुत कर देते हैं कि देखो हम इतने होशियार हैं, भगवान को मत मानो हमको मानो, प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? अपना मान मर्तबा लेने के लिए करते हैं या भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं? अपना मान मर्तबा लेने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया हुआ है, नास्तिकता फैला रहे हैं। तो वो तो बहुत पहले हो गई, तो वो भी गलत है, बहुत पहले ही बेकार था बोल रही। यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में डार्विन थ्योरी कैसे साबित होती है? अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान आए तो उन्होंने बंदरों की सेना ली रावण से मुकाबला करने के लिए। रावण के पांच पुरुष मुख, पांच स्त्री मुख, एक काम महाकामी, कौन से धर्म में होते हैं? मुसलमान, इस्लामी, क्रोधी कौन से धर्म में होते हैं? इतना क्रोध अंदर भरा हुआ है कि जिस डाली को बैठे हुए हैं दुनिया में वो डाली ही काटने का सामान सही, उन्हें ध्यान ही नहीं है क्रोध में। जैसे आदमी क्रोध में आता है ना तो याद ही नहीं रहता हम अपने घर का नुकसान कर रहे हैं, अपने घर के शीशे के या वैसे बर्तन सारे तोड़ देता है, मुसलमान हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी है जिसने भारतवासियों को लोह के आधार पर बड़ी मार काट मचाई है? वो मुसलमान मोही, महामोही है, इतने मोही हैं ये देखते ही नहीं कौन श्रेष्ठ है कौन नीचा है। जैसे अम्मा देखती नहीं है कौन लुच्चा लफंगा कोड़ी काना कुब्जा डकैत और चोर बच्चा है और कौन अच्छा बच्चा है जो पूरे कुल को संभालने वाला है, इतनी मोही हो जाती है। ऐसे ही आर्य समाजी गवर्नमेंट में जो घुसे हुए हैं कांग्रेसी कौर कांग्रेसी, वो देखते ही नहीं कि कौन किस धर्म का है, किस धर्म को फॉलो करने वाला है, धर्म को मानता है या नहीं मानता है। बस उन्होंने एक नियम बना लिया धर्म निरपेक्ष, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, बोल देते जाओ हमको कुर्सी पे बैठा दो बस। तो ये पांच दुनिया के कोई तो ऐसे होंगे जो महाकामी से कामी होंगे 100%, महाक्रोधी से क्रोधी होगा, महालोभी से लोभी होगा, वो ही पांच होगा। रावण को दिखा दिए चित्र, चरित्र करने वाले होंगे तो चित्र बना दिए शास्त्रों में, अगर चरित्र करने वाला ही ना हो तो चित्र बनाए जाएंगे, मूर्तियां बनाई जाएंगी नहीं? रावण का चित्र बनाते हैं माने कोई चरित्र करने वाले भी पांच इस दुनिया में हुए हैं। प्रश्न क्या कर रहा था?
डार्विन थ्योरी बंदर था मनुष्य पहले। तो दुनिया का कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें ये पांच अविकार सबसे जास्ती होते हैं? बंदर। तो ये एक मान्यता बना ली कि बंदरों की सेना ली, वास्तव में बंदरों की सेना नहीं ली, बंदर जैसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य थे भारत में, उनकी सेना ली, वो राम की सेना हुई। देखिए एक तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि रावण को मनुष्य मिल गए और भगवान की इतनी बड़ी दुनिया में कहीं मनुष्य ही नहीं मिले, उनको बंदर ही बंदर मिल गए, ये कैसे हो सकता है? तो ये बात यहाँ से जो ये कहाँ से शास्त्रों में जो बात है लिखी है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली, वास्तव में बंदरों की सेना नहीं है, पूछ वाले मनुष्य नहीं थे सृष्टि के आदि में, असभ्य लोग नहीं थे, जानवर जैसे मनुष्य नहीं थे, क्या थे? सब देवताएं थे, बंदर नहीं थे। वो बंदर थे, मंदिर लायक बनने वाले थे। तो सृष्टि की आदि जो है, शुरुआत जो है, वो बंदरों से हुई है या मनुष्यों से हुई है? क्या कहें? मनुष्य से हुई। फिर ये बात कहाँ से निकल पड़ी? इंसान बंदर होती है ना, उसकी बात से नहीं। हाँ, बंदर भी था जरूर, लेकिन बंदर बंदर नहीं था। बंदर सोचेगा, ज्ञान को समझेगा, मनुष्य सोचता समझता है या बंदर सोचता समझता है? मनुष्य सोचता समझता है। तो वास्तव में मनुष्य थे या बंदर थे? वास्तव में तो मनुष्य थे। जो भी राम की सेना बताई है शास्त्रों में वो बंदर नहीं थे, वास्तव में वो असली मनुष्य तो वो ही थे जिन्होंने भगवान को पहचानने के लिए मन का उपयोग किया। मन बुद्धि का उपयोग करने वालों को ही मनुष्य कहा जाता है। जो मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता वो जानवर है। तो और धर्म के जितने भी हैं वो सब जानवर हो गए। और भारतवर्ष में जिन्होंने ये रिसर्च में बुद्धि लगाई, किस रिसर्च में, कि भगवान रचयिता कौन है और उसकी सृष्टि रूपी रचना क्या है, वो असली मनुष्य। बाकी तो सब खाने पीने वाले हुए। जानवर क्या करते हैं? अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त करते हैं? क्या करते हैं? मन बुद्धि चलाते हैं कि जहाँ यहाँ मिला चल रहे ऊपर, खाना पीना मौज करना मत करना, बस इंद्रियों का भोग भोगना, ये जानवरों का काम है। मनुष्यों का काम सिर्फ भोग भोगना नहीं है, मनुष्य का काम है अपने को पहचानना, मैं कौन हूँ, इस सत्य रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर मेरा क्या पार्ट रहा है। अगर मैं आत्मा हूँ तो ये मेरा शरीर है। इस 84 के चक्र में आकर जाने कितने शरीर धारण किए, कितने कपड़े चोले धारण किए, रंगों के ऊपर पार्ट बजाया है चोले बदल बदल के। वो जो चोले बदल बदल के हमने 84 के चक्र में सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए हैं, वो मेरे क्या क्या पार्ट हैं? किस जन्म ने क्या पार्ट बजाया है? या सिर्फ हिस्ट्री को याद करते रहो, महान प्रताप है ऐसे हुई, वीर शिवाजी ऐसे हुई, महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी हुई, बस गीत गा रहे हैं, लेकिन वो कौन हुए, कैसे हुए, उनके अंदर ऐसे गर्त किसने भरे, उन आत्माओं में ये गर्त कहाँ से आए कि वो ही हुए दूसरे नहीं हुए, इन बातों पर विचार करने की कोशिश करो।
कई राजा जी नगर की गीता पाठशाला होगी। बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकल गए बाबा। सब देहदारियों को भूलना है, सिर्फ एक देहदारी ही याद आना है, क्यों सब देहदारियों को भूल जाना है? और एक देहदारी ही क्यों याद आना? नहीं, ढेर सारे देहदारियों को याद करो, जो अच्छे लगते हैं सबको याद करना, एक को क्यों याद करें? ज्यादा एक पल्ले पड़ गया दुनिया भर के भाषण सुना सुना करके, हमारी दिल जहाँ लगेगी हम तो उसे याद करेंगे। खराब बात है, अच्छी बात है? अरे दिल जहाँ लग जाए वो याद करना चाहिए या दिमाग जहाँ कहता हो वह याद करना चाहिए? दिमाग दिमाग तो ये कहता है कि सृष्टि पर एक ही हीरो होगा और बाकी सब नंबरदार पार्ट बजाने वाले पार्टधारी। तो दिमाग तो ये कहता है कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसको याद करेंगे तो कैसे बनेंगे? लेकिन दिल कहता है, अरे तो दिल लगी गभी से तो क्या परी, तो परी क्या चीज है? दिल क्या कहता है? क्या कहता है? अरे हमारी दिल लग गई गभी से तो परी क्या चीज है? हमें तो गधी अच्छी लगती है, तो गधी को याद करने के लिए मना क्यों कर दिया? एक ही देहदारी को याद करो। ज्ञान में जो गधा साबित हो रहा है ब्रह्मा बाबा, रावण का सिर साबित हो रहा है, उसको क्यों नहीं याद करें? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? ब्रह्मा कुमारी सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? उसको याद करो, वो भगवान किसको मानती है? ब्रह्मा को। लेकिन ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा का पाठ संगम की दुनिया में क्या साबित हो रहा है? कौन सा सिर साबित हो रहा है? रावण के 10 सिरों के ऊपर जो गधे का सिर दिखाया जाता है वो साबित हो रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियों का ये प्रश्न पैदा हो रहा है क्या? तो तीन चित्र जो वो तीन पुरियां हैं, उन तीन पुरियों में हम ऊपर वाले को ही एक को क्यों याद करें? नीचे वाले चित्र को क्यों नहीं याद कर सकते? एक ही देहदारी को क्यों याद करें? फिर मूर्ति सिर कहा जाता है ना, तो हम नीचे वाली मूर्ति को क्यों नहीं याद करें? अरे हमारी दिल लग गई उधर तो क्यों नहीं याद करें? बड़ी ब्रह्म कुमारियां हैं, आस्था चैनल में, संस्कार चैनल में उनके रोज भाषण आते हैं, उनका क्या कहना है? दिली इच्छा क्या है? किसको याद करें? गधे को याद करें? हीरो पार्ट धारी को याद करें? तुम रोज जाकर के उनके पीछे पढ़ो, वो मानेंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को मानेगा, ये एक नियम है, पक्की पत्थर की लकीर है। कुमार का दादी का फॉलोअर होगा तो किसको मानेगा? कुमार का दादी को ही मानेगा, भले कुमार का दादी इस्लाम धर्म में चली जाए, वहां की साबित हो जाए। ब्रह्मकुमारियों का भी दिल अगर ब्रह्मा में लग गया है तो तुम कितना भी उनको ज्ञान सुनाओ जा सकते, कह भी देंगी ज्ञान बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर है, लेकिन वो लंगूर है उसकी बात हमारे सामने मत करो। सच्चाई है कि जो मानसरोवर है तालाब, ज्ञान मानसरोवर जिसे मुरली में बाबा बोलते हैं, एक ऐसा तालाब की दुनिया में है जिसका पानी एकदम साफ, इतना गहरा है फिर भी नीचे का पत्थर दिखाई देता है, कहां पर गड्ढा है
और कहाँ पर उथला है वो पत्थर भी दिखाई देते हैं। क्या है। तो ऐसा ज्ञान मान सरोवर का पार्ट बजाने वाला कोई पार्टधारी भी दुनिया में ऐसा है कि अंदर बाहर से साफ, कुछ भी छिद नहीं किसी के साथ। बाबा ने खतरनाक किसको बताया, ऐसी आत्मा जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी है, ऐसी आत्मा इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। अभी तो अभी तो महावाक्य है क्या, ऐसे जो खौफनाक खतरनाक है ना, वो बीके में बहुत पड़े हुए हैं, नजदीक आने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा क्या बना हुआ है, नजदीक नहीं आ सकती। ऐसे पक्षी स्कूल में भी होते हैं, ऐसे पक्षी उनकी स्टेज में उड़ने वाले ऐसे हंस जैसे पक्षी भी होंगे कि कंकड़ अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे और दूध को पी जाएंगे। पानी में और दूध में क्या अंतर होता है, दूध को मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, कार निकलेगा, अमृत निकलेगा, और पानी को मथेंगे पानी नहीं। तो दुनिया में जितनी भी नदियां रूपी चैतन्य आत्माएं हैं, चाहे देसी नदियां हैं चाहे विदेशी नदियां हैं, दुनिया में जितने भी तालाब हैं, क्या चाहे देसी हैं चाहे विदेशी हैं, जितनी भी नहरें हैं, जितने भी कुएं गड्ढे गलीचियां हैं, उनमें सब में पानी ही पानी भरा हुआ है कि कोई ऐसा भी नहीं है दूध भरा हुआ है, पानी ही पानी भरा हुआ, और पानी भी ऐसा है जिसके बिलोने से कुछ भी निकल नहीं सकता। तो हंस की ये गति होती है क्या कि मनुष्य जो कुछ भी सुनाते हैं दुनिया में, कितने भी बड़े धर्म पिताए हुए हो, धर्माचार्य हुए हो, वो जो कुछ भी सुनाएंगे वो सुना हुआ सुनाएंगे, उसको मंथन करने से नई बात नहीं निकलेगी। लेकिन ईश्वर ऐसा आकर के ज्ञान सुनाता है, ऐसा गीता ज्ञान देता है, ऐसी वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से उच्चारता है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, शास्त्र में लिखा है ना कि उसको जितना ही मंथन करेंगे उतने नए नए रत्न निकलेंगे, नई नई बातें निकलेंगी। इसलिए मुरली में बोला है कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी माने कब, जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे, ब्रह्मा के मुख से वाणी उच्चारी जा रही थी, तब तक अमृत नहीं निकला। क्यों, क्योंकि उस ब्रह्मा मुख से जो वाणी उच्चारी जा रही थी वेद वाणी, उसको सुनने वाला कौन था सबसे पहले, ब्रह्मा की आत्मा पहले सुनती थी, क्योंकि उसके नजदीक ही बैठ करके कुछ कुछ तो सुनाता था, वो ही नहीं मन के समर्थन करता था, वो महावाक्यों को ऊपर ऊपर सुनता था या उनकी गहराई में जाकर के नई नई बातें निकालता था, ऊपर तो जब ब्रह्मा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हेड है तो वो ही मंथन नहीं कर रहा है, तो उसको जो फॉलो करने वाली आत्माएं होंगी वो मंथन करेंगी उन महावाक्यों का, उस वेदवाणी का नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही हो गया, क्या हुआ, भारत के कोई विशेष मनीषी हैं जिन्होंने गीता के ऊपर विशेष मनन चिंतन मंथन करके गीता की टीकाएं निकाली है, रामानुज गीता, शंकराचार्य गीता,
गांधी गीता, टैगोर गीता, 108 से भी ऊपर टीका निकल चुकी है गीता की। तो प्रैक्टिकल में जब भगवान आके गीता ज्ञान सुनाता है तो उसका भी मंथन होता है, मंथन करने वाले नंबर वाले वही निर्चीर विवेकी हंस है। पानी कहा जाता है जो मनुष्य सुनता सुनाता है वो है पानी। चाहे गंगा नदी ही क्यों हो, चैतन्य कोई दुनिया में बैठी हुई भले संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, दुनिया समझ ले कि यही ज्ञान गंगा नदी है जिसका चित्र शंकर के सिर पर दिखाया जाता है कन्या, लेकिन वो भी सुना हुआ सुनाएगी कि कुछ नई बातें निकाल के सुनाएगी, सुना हुआ ही सुनाएगी, वो है पानी। लेकिन जो असली दूध देने वाला है वो तो भगवान ही आकर के देता है, वो पानी नहीं देता है, उसका मंथन होता है, मंथन से फिर अमृत बन जाता है। तो जो हंस होंगे, हंस प्रकृति के, वो मनुष्यों की सुनाई हुई बातों को ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं तो क्या होता दुनिया, वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है, टीवी में देखो आज आजकल ऐसी बात आ रही है, माया सभ्यता आ रही है, 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, वही बातें बुद्धि में क्या होगा घूमती नहीं। लेकिन जो नीर क्षीर विवेकी हंस जैसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं देंगी, बक बक करते हैं करने दो, चार दिन चली जाएगी और वो चंद्रमा पर जाने जाने वाले लोग हैं, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करना, बाबा ने जो कुछ कहा है उन बातों को मंथन करो, बाबा ने मुरली बोला है एक एक मुरली को 6-7 बार पढ़ो, 6-6 बार पढ़ो तब बुद्धि में बात बैठेगी असली, नहीं तो 6-6 बार पढ़ने की कैसे जरूरत है। कुमार बाजा जी में तो इतनी ब्रिलियंसी थी कि एक मुरली को एक बार सुन ले तो जीव की तो शब्द वाई शब्द पूरी मुरली सुना देती थी चार पेज की, उसका गहरा अर्थ होने की बुद्धि में बैठा नहीं बैठा, कोई सुनाते हैं जाकर के तो भी नहीं सुनना चाहते। तो ऐसे जो हंस हैं मनुष्य शक्ति में हंस की तरह पुरुषार्थ करने वाले वो नीर क्षीर विवेकी होंगे, क्या करेंगे मनुष्यों की सुनाई हुई वाणी पर ध्यान ही नहीं देंगे, छोड़ देंगे पानी पानी को, क्या ग्रहण करेंगे जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया हुआ है, वेद वाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकली है, उस वाणी के महावाक्यों पर विचार करेंगे, बोला तो क्यों बोला, एक बार नहीं बोला वही वाक्य बार बार बोला, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं, अरे 33 साल एक ही मुख से ये वाक्य ज्यादा बोलते रहे, कौन सा वाक्य भगवान सर्वव्यापी नहीं, अरे क्यों इतना क्या पागल हो गया क्या, पागल क्या करते तो स्टेशन में जाएंगे, सड़क में जाएंगे, इधर जाएंगे, घर में आएंगे, तो वो ही लगता, तो क्या पागल था, पागल था या दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कविता गाने वाला, बड़े से बड़ी दुनिया की जो कविता मानी जाती है, जिस कविता की ज्यादा से ज्यादा टीकाएं दुनिया में निकली है, वो कविता गाने वाला, गीत गाने वाला कोई गीतकार या कवि था कि पागल था, दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कवि, ऊंचे से ऊंचा गीतकार जिसने गीता सुनाई वो भगवान है, भगवान ही गीता सुनाता है, भगवान की वाणी पर तो कितना विचार करना चाहिए, पर तो कोई ध्यान देंगे कोई नहीं, वो मनुष्य की बातें सुनते रहेंगे, पानी पानी को बिलोते रहेंगे। और जब से वो कैसेट निकलना शुरू हुई माया सभ्यता वाली, अरे पागल कर दिया हिंदुस्तानियों ने, सबसे ज्यादा ब्रह्म कुमार वो पागल किया, तो उसी कैसेट को लेकर चारों तरफ सुनाते फिरते हैं, जिसको जाएंगे पर वो कैसेट 2012 में विनाश होने वाला है,
जो हंस जैसी आत्माएं होंगी, मान सरोवर के किनारे बैठने वाली आत्माएं होंगी, चैतन्य ज्ञान मान सरोवर के किनारे बैठने में आनंद मानेगी, हमारा पहाड़ जाएंगी कैलाश पर्वत पर। चैतन्य ज्ञान सारा सरोवर की बात है, उसके नजदीक बैठ करके जो प्यार सुनने वाले होंगे वो चीज देने की हंस कहे जाते हैं। दुनिया में अभी भी ये कहावत है कि मानसरोवर झील के किनारे अंत ज्यादा होते हैं। कहीं कहीं म्यूजियम में दिखाया है कि नहीं हंस को? भारतवर्ष में इतने म्यूजियम चिड़ियाघर हैं, तुम कोई चिड़ियाघरों में कोई ऐसा चिड़ियाघर जहाँ हंस दिखाया हो? लेकिन पता नहीं वो दूर है या बताते तो हैं, बताते हैं कि ये हंस है, बताते हैं काला भी है सफेद भी है, बगुला नहीं हंस बगुला तो ऐसे ही एक टांग पर खड़ा रहेगा जैसे बड़ा बात है, और जैसे ही मछली आएगी चाहे वो मरी हुई मछली ही क्यों न हो, बीसियों आदमियों की भोगी हुई विभिचारिणी औरत क्यों न हो, वो मरी हुई मछली को भी खा जाए। जो हंस होते हैं हाँ जी, जो हंस है वो अंदर बाहर से एक ही दिखाई देगा, और उसकी एक पहचान और है, उसकी चोंच को फाड़ करके अंदर मुंह में देखा जाए गले में, तो एक हंस उसके अंदर और बैठा हुआ है छोटा हंस। ब्रह्मा बाबा हंस है कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा हंस नहीं है तो वो अभी वर्तमान जो दुनिया है उसमें हंस के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाप दादा माने ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती कि नहीं? जो भी 108 आत्माएं होंगी निर्जीव विवेकी नंबर वाला हंस है उनमें बाप दादा की आत्मा प्रवेश करती है या नहीं? ब्रह्मा में प्रवेश करती है, तो वो छोटा सा हंस हो गया जो उसी चोट के अंदर अंदर दिखाया जाता है। ये पहचान बगुला होगा उसके अंदर हो, अंदर चोट पार के देखो तो उसके अंदर नहीं होगा। जो आदि ने तो आदि में गालियां आलियां दे करके लड़ाई करके चला गया कि नहीं चला गया? कोर्ट कचहरी आदि में करके चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। आज में चला गया तो अंत में भी रावण का पाठ रावण का पाठ रावण का पाठ चलेगा तब वो भी ऐसे ही करेगा। मुरली भी बोला बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा? विनाश करूंगा। कौन कहता है प्रैक्टिकल में कहने वाला कौन है वास्तव में? कोई होगा या नहीं होगा? कोई होगा प्रैक्टिकल में कहने वाला पार्ट बजाने वाला कि बच्चे बहुत तंग करेंगे?